गाइस, मैं अलीशा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यू न्यूज में। गाइस, बॉलीवुड के अभिनेता नसीरुद्दीन शाह हमेशा ही मुद्दे को लेकर अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं। इस बार भी उन्होंने लव जिहाद जैसे मामले पर कानून बनाने को लेकर निशाना साधा है। नसीरुद्दीन शाह ने बताया कि उन्होंने अपनी मां के कहने के बावजूद भी अपनी पत्नी रत्ना साहिब का धर्म नहीं बदलवाया। यूट्यूब चैनल को नसीरुद्दीन शाह ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैंने जब रत्ना पाठक से शादी की तो मेरी मां ने मुझसे कहा कि क्या मैं अपनी होने वाली पत्नी का धर्म भी बदलने वाला हूं। तो इस पर शाह आगे कहते हैं कि मैंने अपनी मम्मी को ना में जवाब दिया। मेरी अम्मी अनपढ़ है, रूढ़िवादी घर से है, इसके बावजूद भी वे दूसरे के धर्म परिवर्तन के सख्त खिलाफ थी। नसीरुद्दीन शाह ने आगे कहा कि मेरी अम्मी ऐसे परिवार से आती थी जो दिन में 5 बार नमाज अदा करती थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी रोजा रखा है, इसके अलावा हज भी किया है। उन्होंने नसीरुद्दीन शाह से कहा कि मैंने तुम्हें बचपन से जो सिखाया क्या वह बदल सकता है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि किसी का भी धर्म परिवर्तन किया जाए। नसीरुद्दीन शाह ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर लव जिहाद के कानून पर कहा कि लव जिहाद के नाम पर कई युवा लड़कों को परेशान किया जा रहा है। ये जो कुछ भी तमाशा चल रहा है इससे समाज को बांटा जा रहा है। आखिर में अभिनेता ये कहते हैं कि जिन्होंने शब्द को गढ़ा है उन्हें जिहाद शब्द का मतलब भी पता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बात को मानेगा कि एक दिन मुस्लिम की आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी। गाइस, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।